हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल का रिव्यू। सो फाइनली आज रिलीज़ हो चुकी है SRK की मच अवेटेड फिल्म जवान। आज आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु तीन लैंग्वेज में ये फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और मैंने देख ली ये फिल्म फाइनली आज जवान। सो आज हम लोग फिल्म जवान फिल्म का रिव्यू करेंगे। सो फिल्म रिव्यू करने से पहले आप लोग ये क्लिप देखिए। ये क्लिप आज 7 सितंबर की है। फर्स्ट डे थर्ड शो की क्लिप है। इतनी सारी भीड़ थी सिनेमाघर में और ये इसके पीछे दो सबसे बड़े रीज़न जो मुझे लगते हैं SRK एंड एटली कुमार और दोनों का कॉम्बिनेशन। सो फिल्म के डायरेक्टर का नाम है एटली कुमार, साउथ इंडियन डायरेक्टर है और फिल्म का म्यूज़िक दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने, जो कि काफ़ी बढ़िया म्यूज़िक देते हैं और साउथ की पिछली कुछ फिल्मों में इन्होंने म्यूज़िक दिया है और फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु तीन लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है और फिल्म का बजट 300 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है। और फिल्म की लेंथ 3 घंटे के आसपास है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये फिल्म 3 घंटे तक आपको एंगेज करके रखेगी, कहीं पर भी आपको बोर फील नहीं होगा। और अब फिल्म की बात करते हैं फिल्म के लीड कैरेक्टर्स के बारे में। सो फिल्म के लीड कैरेक्टर्स में हमें SRK दो कैरेक्टर निभाते हुए नज़र आएंगे, पहला एज विक्रम राठौड़ और दूसरा एज आज़ाद। और SRK के साथ ही हमें नयनतारा, विजय सेतुपति, सुनील ग्रोवर, संजय दत्त, दीपिका पादुकोण, सानिया मल्होत्रा जैसे कई बड़े अभिनेता अभिनेत्री देखने को मिलेंगे। काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है, उतनी अच्छी फिल्म है। सो अब बात करते हैं सबसे पहले एटली कुमार फिल्म के डायरेक्टर के बारे में। सो इनकी फिल्म मेकिंग काफ़ी बढ़िया है और जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि इससे पहले एटली कुमार ने थालापति विजय के साथ मार्शल, बिगिन और थेरी तीनों फिल्मों का डायरेक्शन किया है और ये तीनों फिल्में काफ़ी हिट ब्लॉकबस्टर रही है। और इन तीन चारों फिल्मों में, जवान को भी अगर इंक्लूड करें, तो चारों फिल्मों में एक चीज़ कॉमन है कि जैसे अगर विजय थालापति अगर लीड कैरेक्टर में है फिल्म के, तो उसके बाप का या बेटे का भी कैरेक्टर वही करेगा और इस कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करना है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने चारों फिल्मों में प्रेजेंट किया है। सो एक कॉमन चीज़ मुझे लगी है इन फिल्मों में और जवान में भी ऐसे रिपीट किया गया है, तो काफ़ी बढ़िया बात है ये। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एटली की फिल्म मेकिंग काफ़ी शानदार है, ज़बरदस्त है, चाहे वो कैरेक्टर का एग्जीक्यूशन हो या स्टोरी का एग्जीक्यूशन हो, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया हो। दो चीज़ें जो मुझे फिल्म में काफ़ी बढ़िया लगी है वो है, एक तो SRK की स्क्रीन प्रेजेंस, SRK ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि सारे कैरेक्टर्स है, चाहे नयनतारा का हो, विजय सेतुपति का हो, सुनील ग्रोवर का हो, सानिया मल्होत्रा का हो या संजय दत्त, दीपिका पादुकोण का हो, इनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। SRK का तो सबसे बढ़िया है ही। और अनिरुद्ध का म्यूज़िक, वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है अभी तक मेरे कानों में बज रहा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अनिरुद्ध का। और मैं कहूँगा कि मतलब ये फिल्म की जान है एटली कुमार, अनिरुद्ध और सारे जो कैरेक्टर्स है वो सब, तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आप लोग जाकर अपने दोस्तों के साथ फिल्म देख सकते हो और फिल्म में आपको जो भी चाहिए वो सब देखने को मिलेगा, चाहे एक्शन हो, इमोशन हो, सस्पेंस हो। सो मास लवर्स यानी जो एक्शन फिल्में पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म नहीं, एक तोहफा है, एक गिफ्ट है SRK की तरफ से। सो ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आप लोग जाकर अपने दोस्तों के साथ देखिए इस फिल्म में आपको। सो अब बारी है फिल्म को रेट करने की। सो फिल्म को मैं रेटिंग रेट करूँगा 4.5 स्टार। आधा स्टार कटेगा फिल्म की लेंथ की वजह से, ये फिल्म की लेंथ की वजह से नहीं है, ऑब्वियसली ये है फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी को जो बिल्ड करते हैं उसमें थोड़ा सा मुझे लूप नज़र आ रहा है, इस वजह से आधा स्टार कटेगा। बाकी फिल्म ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, आप लोग जाके अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ देखिए और इन्जॉय करिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो, और वीडियो को शेयर करें और कॉमेंट ज़रूर करना वीडियो के नीचे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।